आ रहा हूँ लोकल साहिल मेट्रो से बैठा हूँ अभी, यहाँ जो मेट्रो पे उतर गया मैं, वहाँ से बाहर निकल के ये बस ली है 184। मैं फॉलो कर रहा हूँ गूगल मैप को, यहाँ की लोकल बस है, मेट्रो है, 30 कॉपिक लग रहे हैं। पहले 30 कॉपिक मैं साहिल मेट्रो से दे के यहाँ आया और फिर वहाँ से 30 कॉपिक लगे हैं। स्टेशन का नाम है सुरखानी स्टेशन और सुरखानी स्टेशन से मुझे 7 मिनट की वॉक है आतशगाह जाने के लिए। और आतशगाह अगर मैं बोल्ट पे जाता तो वहाँ से मेरे 7 मन्नत लगने थे। अगर आप चाहें तो आप लोकली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ये बस इस तरह से दिखती है, देख लें। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। जिनके पास कार्ड नहीं होता है वो पैसे दे के कार्ड यूज़ करके रख देते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये लोग कर सकते हैं। गरदास ये है जी अमर भाई, बस स्टॉप बस ड्राइवर हैं ये, उनकी बस खड़ी है सामने 184 नंबर, ठीक है जी। और यहाँ से बिल्कुल ही करीब है, ये इस तरह से है, ये ग्रोसरीज हैं और यहाँ से आपने ये साइड पे जाना है, ठीक है। शुक्र गरदास, यहाँ से आप जाएंगे, ये देख रहे हैं ऐसे, और वहाँ से आपने ये रेलवे ट्रैक है ये क्रॉस करना है, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से है, यही मैंने सिग्नल लगाए हैं इस पर रेलवे ट्रैक पे, ट्रैक है इस ट्रेन के ट्रैक से आप वो सामने वाली जगह से आना ऐसे, और यहाँ से आपने सीधा ये जगह देखो वो सामने आतशगाह जाने के लिए ये बेस्ट रूट है। और तकरीबन मैं मैक्सिमम 1 घंटे में अपनी लोकेशन से जो निज़ामी स्ट्रीट वाला एरिया है वहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ तकरीबन 1 घंटे में, और 1 घंटे में यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ 4 मन्नत है इसकी फ़ीस और 5 मन्नत है उसके टूर गाइड के। टूर गाइड लाजमी लीजिएगा क्योंकि मुझे यही पता चला है कि आप लोगों ने टूर गाइड लेना है और उससे ये होगा कि वो आपको हिस्ट्री के बारे में गाइड कर देगा, बता देगा।
मैंने एक चीज़ यहाँ देखी है कि दुबई की तरह बस या मेट्रोज नहीं है, आपने सिर्फ पंच करना और इंटर हो जाना, और कोई चेकर वेकर भी नहीं है, आपने मीटर से लगाना है, ड्राइवर ही देख रहा होता है बस का जो है, किसी का भी कार्ड लगा के आप इंटर हो सकते हैं। और ये जगह है जी कासा, कासा लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई टिकट वगैरह मेरे ख्याल में यहीं से मिलेगी, बताते हैं अंदर जाके। वो भाई साहब बाहर गए हैं, कह रहे हैं वेट करो, तो मैं आपको थोड़ी सी